नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। हरदा के कांग्रेस विधायक रामकिशोर दोग ने नकली बम की माला पहनकर विधानसभा पहुंचे। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट मामले को लेकर विपक्षी दल के विधायक ने गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना दिया। कहा कि 4 लाख रुपए मुआवजा और कलेक्टर SP को हटाने से कुछ नहीं होगा। बता दें कि हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद राज्य सरकार ने कलेक्टर ऋषि गर्ग को हटा दिया है। वहीं SP संजीव कुमार कंचन को हटाकर भोपाल हेडक्वार्टर भेज दिया है। दरअसल विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में हरदा ब्लास्ट का मुद्दा उठा है। इसी रणनीति के तहत आज विधानसभा पहुंचे हरदा से कांग्रेस विधायक ने अनोखे तरीके से विरोध जताया है। कांग्रेस विधायक दोगने ने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। BJP नेता कमल पटेल के संरक्षण में फैक्ट्री चल रही थी, वहीं लोगों के जीवन तबाह हो गए हैं, सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। उधर पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि आरोपी पटाखा फैक्ट्री मालिक राजू और मुन्ना पटेल के भाई मन्नी को कांग्रेस विधायक RK दोगने का संरक्षण है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को जिला अस्पताल हरदा पहुंचकर पटाखा दुर्घटना में हुए घायल व्यक्तियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। डॉक्टर यादव ने अस्पताल प्रबंधन को दुर्घटना में घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घायलों को आश्वस्त किया है कि संकट की घड़ी में सरकार प्रभावितों के साथ है।